दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि दुकानदार बाहर से दुकान का ताला लगाकर चला गया, जिसकी वजह से आग लगने के बाद लड़का बाहर नहीं निकल सका। मेरा बेटा का नाम विप्लव सरकार है, ये 16 साल उसका उम्र है, 16 से ज़्यादा हुआ, 16.5 साल है, और वो संजय के दुकान में ये 3-4 सालों से काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के काम सिखा रही उसको। तो कल रात को कोई गया नहीं काम पे, उसका मन नहीं करा होगा, तो कम से कम संजय 10-15 बार फ़ोन किया, सुबह आके उठाया भी था तो उठा नहीं, सो ही रहा था वो, और फिर शाम के टाइम फिर आके उसको बुला के ले गया। तो मेरे को बोल रहा है कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, तू बोल दे। मैंने बोला कि नहीं, चला जा, कोई नहीं, चला जा, कहीं जाएगा शायद। तो फिर कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, अगर रहने दे। फिर दोबारा वो फिर आया, आके फिर उसको गाली गलौज दे के लेके गया। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तू, तेरे को अच्छा लगता है लोगों के सामने मेरे को तब बेइज्जती करता है, रोज ऐसा गाली गलौज करता है, किसको अच्छा लगता है? तो इससे से तू काम पे मत जा। उसको भी मैंने बोला कि तू काम पे मत जा और उसको रख मत, ये बात बोला। फिर भी वो लेके गया, और लेके जाने के बाद रात को वो घर में नहीं आया। अब पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठ के हम लोगों को पता चला कि उसका दुकान में आग लग गया और अंदर वो लेटा हुआ था। लेकिन उसको तो पता है कि वो दुकान में वो लेटा पड़ा है बच्चे, तो कम से कम मालिक को तो ये बोलना चाहिए कि हाँ सन्नी दुकान में। क्या आपने फायर को फोन किया? जी नहीं। पुलिस को फोन किया? जी नहीं। पुलिस वाला आया था अभी आग बुझाने के बाद। मेरा भाई है, वो उसका नाम सन्नी सरकार था, चाचा का लड़का है। और सुबह अब हमें पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, वो अंदर ही था। उसने बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। कह रहे बाहर से ही अंदर से कहीं से शटर लॉक था तो निकल नहीं पाया। तो जब आग बुझाने के बाद पता चला कि अंदर कोई है, तो पता चला कि मेरा भाई है, जिसमें वो जल गया, जिसको उसकी जान चली गई है। हादसा सुबह करीब 6 बजे के आसपास का है, जब विप्लव दुकान के अंदर सो रहा था, लेकिन अचानक दुकान के आग लग गई। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला कि दुकान के अंदर कोई है, लेकिन जब दुकान में आग बुझ गई और सुबह शटर खोला तो विप्लव की मौत हो चुकी थी। जैसे ही घर वालों को विप्लव की मौत के बारे में पता चला, घर में चीख पुकार मच गई और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या जी, दुकान में काम करता था लड़का मेरा, और वो मालिक आके रात को बुला के ले गया उसको, तो मैंने सोचा अपने घर में सुलाएगा, लेकिन उसने घर में ना सुला करके दुकान में सुला दिया। दुकान में बैठने की जगह कम है, वहाँ सोएगा कैसे बच्चा? बच्चा पता नहीं रात को सोया दुकान के अंदर, पता नहीं आग कैसे लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसके वजह से। और मालिक जो था दुकान का मालिक, वो बाहर से दुकान को लॉक करके गया था। लड़के ने बचने के लिए, जब आग लगी बचने के लिए दरवाज़ा भी खटखटाया, शटर को पीटा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था, उसने सुना, ये सुन के भी अनसुनी कर दी, ना सुन मना नज़रअंदाज कर दिया कि चलो कोई होगा। लेकिन उसके बाद जो आग लगी थी, पूरे हमारे गली के लोगों ने देखा, आग लगा हुआ था, बाल्टी भर भर के सब पानी लेके जा रहे थे। उस समय भी शटर बंद था, लॉक था, सब ने देखा। जिसने भी पानी ले गया बुझाने के लिए आग, तो सब ने देखा कि शटर लॉक है। मालिक आकर के खुद शटर का लॉक खोलता है। इसके बाद वहाँ पे पानी उनी फेंकने के कारण किसी को पता नहीं था मेरा लड़का है कहाँ। उसने बचने के लिए पता नहीं बहुत मुशक्कत की होगी, लेकिन वो बच नहीं पाया। आग काफ़ी लग चुकी थी, जिसमें वो भी बुरी तरह से झुलस गया और उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दुकान में आग की वजह क्या रही। दिल्ली से अपने सहयोगी संजीव सिंह के साथ हरिकिशोर शाह की रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज दिल्ली।